सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और महत्वपूर्ण अपडेट में। तो बहनों, पोषण ट्रैकर ऐप का एक और महत्वपूर्ण अपडेट जो 20.7 का है वो आ चुका है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पोषण ट्रैकर ऐप का जो 20.7 का अपडेट आने वाला है उसमें क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है, इसके रिगार्डिंग हमने आपको पिछले वीडियो में भी जानकारी दी थी। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो न्यू अपडेट है वो आ चुका है। और हमने उस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि पोषण ट्रैकर ऐप का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसको कैसे ज्वाइन करना है और आप लोग कैसे जो पोषण ट्रैकर ऐप का न्यू अपडेट है उसके बारे में सबसे पहले जानकारी ले सकते हैं। हमने उस पोषण ट्रैकर ऐप का जो ऑफिशियल लिंक है उसको भी शेयर किया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हम अपना व्हाट्सअप नंबर भी शेयर किए थे जिसके माध्यम से आपको वो लिंक नहीं मिल पाता है। तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हाई लिख के मैसेज करती हैं तो हम उसका जो ऑफिशियल लिंक है उसको शेयर कर सकते हैं। तो काफ़ी सेविका बहने हमें व्हाट्सअप पे हाई लिख के भेजी हैं जिनको हमने पोषण ट्रैकर ऐप का जो ऑफिशियल व्हाट्सअप ग्रुप है उसको शेयर कर दिया है और वो लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप लोग भी पोषण ट्रैकर ऐप का जो ऑफिशियल व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन करना चाहती हैं तो हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, सिर्फ इसी पे आप लोग हाई लिख के भेजिएगा, हम उसका लिंक जो है आपको प्रोवाइड करा देंगे जिसके माध्यम से आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में जो पोषण ट्रैकर ऐप का न्यू अपडेट आया है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप का जो न्यू अपडेट है उसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है। तो पोषण ट्रैकर ऐप का जो ये न्यू अपडेट आया है इसमें आप लोगों को 5 महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल सकती है। तो 5 अपडेट को आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि क्या कुछ बदलाव किया गया है। तो चलिए, वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो अपडेट का ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग सिंपली यहाँ पे अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्ले स्टोर का ऑप्शन आ जाएगा, या आप लोग यहाँ पे जो गूगल प्ले स्टोर है वहाँ पे भी जाके इस पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे सिंपली पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट कर लेते हैं और इस अपडेट में क्या कुछ आप लोगों को नया देखने को मिल सकता है इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी देखेंगे। आप सभी आंगनबाड़ी बहनों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो आप सभी आंगनबाड़ी बहनों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नई आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, हमारा पोषण ट्रैकर ऐप जो है वो अपडेट हो चुका है। तो देखिए, हमने आपको पिछले अपडेट में ही बताया था कि 5 महत्वपूर्ण बदलाव किए जा सकते हैं पोषण ट्रैकर ऐप का जो 20.7 का अपडेट आने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला अपडेट है वो बता रहा है रिवैम्प ऑफ CBE एंड VHSND। आपको हम पोषण ट्रैकर ऐप पर चल के दिखाएंगे कि इसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है। दूसरा जो अपडेट है यहाँ पे रिवैम्प ऑफ बेनिफिशियरी वैक्सीनेशन। तीसरा अपडेट है बॉडी मास इंडेक्स। और चौथा अपडेट है गेस्टेशनल वेट गेन एंड ANC डिटेल्स। और पांचवा अपडेट है बग फिक्सेस। यहाँ पे नीचे आने के बाद देख सकते हैं कि जो इसका वर्जन है 20.7 यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो सभी आंगनबाड़ी बहनों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप का जो ये न्यू अपडेट है इसको आप लोग अपडेट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद यहाँ से सिंपली हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप का जो ओपन वाला ऑप्शन है इसको हम लोग ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे लॉगिन टू योर अकाउंट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो आपको अपना मोबाइल नंबर और MPIN डाल के लॉगिन कर लेना है। ये हम लोग पहले अपडेट की ओर बढ़ते हैं कि पहला अपडेट क्या आया हुआ है। जैसे कि पहला अपडेट आप लोगों को CBE एंड VHSND के मॉड्यूल में देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे इवेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग इवेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर जो इवेंट्स वाला मॉड्यूल है थोड़ा सा आप लोगों को अलग देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर CBE वाले पर क्लिक करेंगे। जैसे ही CBE वाले पर क्लिक करेंगे यानी कि कम्युनिटी बेस्ड इवेंट का जो ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से अब आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे आप लोगों को प्लस वाला आइकन देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग कम्युनिटी बेस्ड इवेंट का जिस दिन आप लोग यहाँ पे इवेंट करती हैं उसका डेट आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो कैलेंडर वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सिर्फ उसी मंथ का आप लोग यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड इवेंट को सबमिट कर सकती हैं जिस मंथ आप लोग यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड इवेंट को ओपन कर रही हैं। नेक्स्ट मंथ में आप लोग कोई भी गतिविधि करती हैं तो उसका यहाँ पे आप लोग डिटेल्स नहीं भर सकती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 7 तारीख को गुदभराई दिवस होता है तो आप लोग जो भी यहाँ पे गतिविधि होती है उसका डिटेल्स आप लोग यहाँ पे भर के सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस डेट को आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर 6 तारीख का डेट दिखा रहा है क्योंकि आज ही ये अपडेट आया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे।
पहले क्या था कि जब आप लोग यहाँ पे थीम सेलेक्ट करते थे तो आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे कितने लोग मौजूद थे उसकी डिटेल्स भरनी पड़ रही थी, तो उस डिटेल्स को यहाँ पे हटा दिया गया है। सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे थीम सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो ये आपके लिए पहला अपडेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे थीम पे सिलेक्ट करने के बाद आपको 5 थीम देखने को मिल सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी कि 5 ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो जो भी इवेंट आप लोग करेंगे उस इवेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि हम लोग अन्नप्राशन दिवस को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ नहीं दिखाना पड़ेगा कि इस अन्नप्राशन दिवस में कितने लोग मौजूद थे, उसका जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, वो ऑप्शन यहाँ पर हटा दिया गया है। सिर्फ आप लोग को अन्नप्राशन दिवस या भराई दिवस यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। तो इस प्रकार से आपको पोषण ट्रैकर ऐप में ये नई चीज़ें देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद इसी कैटेगरी में आप लोगों का जो VHSND की कैटेगरी है, जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेम उसी तरह से यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि आप लोग VHSND जिस दिन करेंगे उसका डेट आप लोगों को सिलेक्ट करना है और उस दिन आप लोगों के आंगनबाड़ी केंद्र पे कितने लोग मौजूद है वो यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। यहाँ पे VHSND किस डेट को हुआ है वो डेट हम लोग सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे और उस VHSND के दौरान कितने लोग मौजूद थे हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग VHSND में कितने लोग मौजूद है उसको सिलेक्ट करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे अपडेट की ओर बढ़ते हैं। जो दूसरा अपडेट है आप लोगों को होम पेज में ही देखने को मिल सकता है। जैसे कि जो पिछला अपडेट आया था 20.7 उसमें यहाँ पे स्टॉक रजिस्टर का जो ऑप्शन है वो बढ़ाया गया था, तो 20.7 में आप लोगों को यहाँ पे एक और न्यू मॉड्यूल देखने को मिल सकता है, बेनिफिशियरी वैक्सीनेशन, यानी कि यहां पे आप लोगों को जो भी बेनिफिशियरी हैं, जो भी लाभार्थी हैं, उनका वैक्सीनेशन डिटेल्स यहां पे भरने के लिए आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। यहां पे प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रेन 0 से 6 मंथ, 6 मंथ से 3 इयर्स और 3 इयर्स से 6 ईयर के जो बच्चे हैं उनका जो वैक्सीनेशन डिटेल्स है वो भरने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। जो लैक्टेटरी मदर हैं उनका यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो जो भी कैटेगरी के आप लोग यहाँ पे वैक्सीनेशन डिटेल्स भरेंगे उसके लिए यहाँ पे उस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो होम विजिट की तरह आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल सकता है, ड्यू कम्प्लीटेड और ओवर ड्यू, यानी कि ड्यू में जो भी बेनिफिशरी का वैक्सीनेशन डिटेल्स है वो आप लोगों को दिखाया जाएगा कि इस लाभार्थी का जो वैक्सीनेशन है वो इस डेट को यहाँ दिया जाएगा। अगर आप लोग यहां पे कंप्लीट कर लेते हैं तो कंप्लीट में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर किसी बेनिफिशियरी का जो वैक्सीनेशन है उसको आप लोग छोड़ देते हैं तो वो आप लोगों को ओवरड्यू में देखने को मिल सकता है। तो ये आप लोगों को दूसरे अपडेट में ये अपडेट आई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तीसरे अपडेट की ओर। जो तीसरा अपडेट है वो आप लोगों का BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, उसके लिए जो ऑप्शन है यहाँ पे बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे, जो गर्भवती महिला है उस गर्भवती महिला के कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद किसी एक गर्भवती महिला की कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे बॉडी मास इंडेक्स का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल सकता है। ये एक नया मॉड्यूल ऐड किया गया है, जैसे कि यहाँ पे उस लाभार्थी का बॉडी मास कितना है वो सभी डिटेल्स भरने के लिए ये ऑप्शन को ऐड किया गया है। जो लैक्टेटरी मदर हैं, जो बच्चे हैं, उन कैटेगरी में आप लोगों को ये ऑप्शन देखने को नहीं मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे जो गर्भवती महिला है उसी कैटेगरी में आप लोगों को ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में हम कंप्लीट वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस प्रकार से क्या कुछ आप लोगों को यहाँ पे भरना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस प्रकार से ये अपडेट आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो चौथा अपडेट आया हुआ है, जो चौथा अपडेट है वो गेस्टेशनल वेट गेन ANC डिटेल्स के बारे में है, जैसा कि वो भी ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन की कैटेगरी में देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन की कैटेगरी को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद किसी एक गर्भवती महिला की कैटेगरी के 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख पाएंगे बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर एक न्यू ऑप्शन को यहाँ पे ऐड किया गया है, गेस्टेशनल वेट गेन ANC डिटेल्स। इसका मतलब होता है जो भी गर्भवती महिला है उनका वेट गेन क्या हो रहा है उसका डिटेल्स आप लोगों को भरना होगा। यहाँ पे 4 कैटेगरी दिया गया है, ANC 1, ANC 2, ANC 3, ANC 4। तो जो भी उनका वेट गेन होता है या वेट लॉस होता है उसका डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे भरना होगा। ये डिटेल्स पे आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे उनका जो हाइट है, जो वेट है और जो हीमोग्लोबिन का ऑप्शन दिया गया है वो सारा डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे फिल करना होगा कि जो भी गर्भवती महिला आपके पोषण ट्रैकर ऐप में रजिस्टर है उनका वेट क्या हो रहा है, गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, उन सभी की डिटेल्स आप लोग को इस पोषण ट्रैकर ऐप के न्यू अपडेट में अपडेट करनी होगी। तो इस प्रकार से कुल मिला के आपके पोषण
पोषण ट्रैकर ऐप में 4 न्यू अपडेट आए हुए हैं, जिसके बारे में हमने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी। और जो 5वां अपडेट है वो बग फिक्सेस, यानी कि पोषण ट्रैकर ऐप में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में अपडेट किया गया है। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पोषण ट्रैकर ऐप के रिगार्डिंग अगर आप लोग जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमने जो आपको शुरू में नंबर दिया है उस नंबर पर हाई लिख के मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जिसके माध्यम से पोषण ट्रैकर ऐप का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। और जो पोषण ट्रैकर ऐप का न्यू लेटेस्ट अपडेट आने वाले हैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिल सकती है। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।